बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हम चैप्टर नंबर 32 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, जैसा हम समझ रहे, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष तौर पर या सीधा, और इनडायरेक्ट का मतलब जो सीधा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी बात को एज इट इज कहें, जैसी वो बात है वैसी की वैसी कहें, वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। ठीक। जब हम किसी बात को डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्ट वे में कहें, इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई बात बताई, जैसे राम सेड टू श्याम, आई टेक दिस एग्जांपल, ही सेड आई राइट अ लेटर। इसी बात को किसी थर्ड पर्सन ने सुना और उसने जाकर फोर्थ पर्सन को बताया, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? वो कहेगा ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने इसको कन्वर्ट किया, ही सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली। मैं इसका एक ऐसा उदाहरण आपको देता हूं जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। छोटी कक्षाओं से हम नरेशन सीखते आए हैं। नरेशन में क्या था, नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही, जैसे हमारे पास एक करेक्टर है ए, ए ने बी को कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ए ने बी को कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। ए और बी के बीच में जो वार्तालाप था उसको सी ने सुना। सी ने जाकर डी को बताया कि ए बी को कह रहा था कि वो उसके घर अगले दिन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा, ए सेड टू बी आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। सी ने इसको सुना, सी ने उसको इंग्लिश में बोला, ए टोल्ड बी दैट ही वुड गो टू हिज हाउस द नेक्स्ट डे। इसका मतलब यह हुआ, साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वो ये हुआ कि जो बात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है वो डायरेक्ट स्पीच है, यदि वो एज इट इज लिखी जाए। जब कोई तीसरा व्यक्ति या कोई और उसको सुनने वाला व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति जो उसको सुन रहे हैं, जब वो आगे जाकर उसी बात को बताते हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाया करती है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ शब्द हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय बदल जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा, एक नियम और बताऊंगा, वो ये कि इसका सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा प्रेजेंट जो है वो पास्ट में और पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अभी आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले चैप्टर्स में अभी आप और ज्यादा अध्ययन करेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं कुछ ऐसे शब्दों की सूची आपको बता रहा हूं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे। नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू देन, हियर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर, हियर आफ्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर आफ्टर, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट, दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू दोस, ago will be converted into before, thus will be converted into so, today will be converted into that day, tonight will be converted into that night, last night will be converted into the previous night, so yesterday will be converted into the day before ya fir the previous day, tomorrow will be converted into the next day ya fir the following day, last week will be converted into the week before या फिर the previous week, next week will be converted into the week after या फिर the following week, last month will be converted into
द मंथ बिफोर या फिर द प्रीवियस मंथ. नेक्स्ट मंथ विल बी कन्वर्टेड इंटू अ मंथ आफ्टर. हीदर विल बी कन्वर्टेड इंटू थीदर. हेंस विल बी कन्वर्टेड इंटू देंस. अब हम इसको अलग अलग टेंसेज में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना. प्रेजेंट सिंपल चेंज इंटू पास्ट सिंपल. एग्जाम्पल्स, ही सेड आई राइट अ लेटर. ही सेड दैट ही रोट अ लेटर. जैसा कि उपरोक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कि ही सेड हमारे पास एज इट इज लिखा गया. कोमा इन्वर्टेड कोमास के बाद हमारे पास जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस को हमने आई को ई में ही में कन्वर्ट किया, राइट को रोट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. ए लेटर अ लेटर की तरह लिखा गया. शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली. ही सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली. दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट. वी लव आवर कंट्री. दे सेड दैट दे लव देयर कंट्री. ही सेड ही डज नॉट लाइक कंप्यूटर. He said that he did not like computer या फिर he didn't like computer. इसी तरह से present continuous जो है, present continuous tense जो है, that will be converted into past continuous. यानी कि present continuous tense जो है हमारा, वो past continuous tense में convert हो जाएगा. He said, comma you comma start. He is listening to the music. He said that he was listening to the music. She said, I am washing my clothes. She said that she was washing her clothes. They said, we are enjoying the weather. They said that they were not enjoying the weather. I said, it is raining. She said, I am not laughing. इस तरह से हम इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. She said, he has finished his work. She said that he had finished his work. He said, I have started a job. He said that he had started a job. I said, she have eaten the meal. I said that she had eaten the meal. They said, we have not gone to New York. They said that they had not gone to New York. इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. साधारण सा मीनिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, चाहे वो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो. अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock. ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock. शी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days. शी सेड दैट इट बीन रेनिंग फॉर 3 days. आई सेड शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007. I said that she had been working in this office since 2007. अब हम will have to का use सीखेंगे. Very simple formula. इसका formula क्या है? Will have to का use कहाँ पर होगा? जब भी हम इस चीज पर जोर देंगे कि कोई भी काम भविष्य में करना पड़ेगा, या फिर कोई भी काम किसी को करना होगा, इस ऑप्शन में हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे. आई और वी के साथ शैल हैव टू का यूज होता है, और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल हैव टू का प्रयोग होता है. फॉर्मूला देख लेते हैं. सब्जेक्ट यानी कि यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम या फिर नेम्स, इन सब के साथ विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस. दे विल हैव टू गो टू पार्टी. वे पार्टी में जरूर जा रहे होंगे या उन्हें पार्टी में जरूर जाना होगा.
शी विल हैव टू लीव फॉर चंडीगढ़, उसे चंडीगढ़ जाना होगा, दैट्स इट। यू विल हैव टू वाइंड ऑफ योर बिजनेस, तुम्हें अपना व्यापार बंद करना होगा। दे विल हैव टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, उन्हें एक नई कंपनी आरंभ करनी होगी। स्वामी विल हैव टू वर्क हार्ड, स्वामी को कड़ी मेहनत करनी होगी या स्वामी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुल्ताना एंड काजल विल हैव टू टेक एडमिशन इन बीबीए, सुल्ताना और काजल को बीबीए में दाखिला लेना होगा। राखी विल हैव टू ज्वाइन द एकेडमी टू इम्प्रूव हर स्किल्स, राखी को अपने कौशल में सुधार करने के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, यानी एकेडमी में शामिल होना पड़ेगा। दे विल हैव टू वर्क हार्डर टू अपग्रेड देयर बिजनेस, उन्हें अपने व्यापार को या उन्हें अपने व्यापार की उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। मिनिस्टर विल हैव टू मेक सॉलिड पॉलिसीज टू डेवलप इंडिया, मंत्रियों को भारत की उन्नति के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स विल हैव टू इम्प्रूव देयर स्किल्स टू गेट प्लेसमेंट्स, पेशेवर छात्रों को स्थान प्राप्त करने के लिए, यानी कि पेशेवर छात्रों को जॉब प्राप्त करने के लिए अपने कौशल में सुधार करना होगा। चिल्ड्रन विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको संगठन के नियमों का पालन करना होगा या आपको संगठन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू योर पैटर्नल बिजनेस, आपको अपना पैतृक व्यवसाय करना होगा या आपको अपना पैतृक व्यवसाय करना पड़ेगा। दे विल हैव टू यूनाइट द मेंबर्स ऑफ वेंचर, उन्हें उद्यम के सदस्यों को एकजुट करना होगा या एकजुट रखना होगा या रखना पड़ेगा। दे विल हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल, उन्हें एक नया मोबाइल खरीदना होगा। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस, जैसे आई हैव टू गो, आई विल हैव टू डिलीवर द लेक्चर, वी विल हैव टू गिव देम दिस बुक, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड फॉर गेस्ट्स, आई विल हैव टू कम बैक एज अर्ली एज पॉसिबल, आई हैव टू रिटर्न हिज मोबाइल, वी विल हैव टू वर्क फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, वी विल हैव टू परचेज अ न्यू हाउस, वी विल हैव टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी इन अ होटेल, वी विल हैव टू लिसन देयर कंप्लेंट्स, वी विल हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी विल हैव टू रिमेन प्रेजेंट इन सोशल प्रोग्राम्स, वी विल हैव टू वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन, we will have to obey our seniors. Now, let us do situational conversational exercise. Situational conversational exercise का मतलब हम कुछ ऐसी situations को बीच बीच में लेते रहेंगे जो हमारी routine में, हम रोजाना कि अपने daily schedule में जिनको देखते हैं और use करते हैं। इसका नाम situational exercise इसलिए रखा गया क्योंकि यही वो कुछ परिस्थितियां हैं जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में, अपने रूटीन के जीवन में हमें फेस करनी होती हैं। और मजे की बात तो ये है, यदि आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो खेल खेल में आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश बोलने लगेंगे। जैसे कि लेट अस डिस्कस अबाउट चर्च, अगर चर्च में दो मित्र मिले तो कैसे, इन चर्च। हरीश, व्हाट इज दैट बिल्डिंग? ललित, इट्स अ चर्च। हरीश, आई थॉट इट इज अ मॉस्क। दो दोस्त चर्च के बारे में बात करते हैं, आइए उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है, एक छोटी सी कन्वर्सेशन के माध्यम से इसको समझेंगे। हरीश, व्हाट इज दैट बिल्डिंग? ललित, इट्स अ चर्च। हरीश, आई थॉट इट्स अ मॉस्क। ललित, Can't you see the cross on the top of the tower? Harish, yes, I understand. When the prayer begins here? Lalit, it begins at 10 a.m. Harish, shall we enter the church?
अरित, या why not? हरीश, will there be prayer on all days? ललित, it will be on Sundays and on Christmas festivals. हरीश, all right, it's a beautiful and peaceful place, isn't it? ललित, yeah, it is. In post office, clerk, boy, how may I assist you? Boy, I want to send money to my brother who is living in Delhi. Clerk, have you brought the money order form? Boy, yes, here it is. Clerk, how much money you want to send to your brother? Boy, 10,000 rupees only. Clerk, where is your brother studying? Boy, he is studying in Delhi University. Boy, sir, what is the money order commission for total 10,000 rupees? Clerk, 50 rupees only. Boy, when will the money order reach by him? Clerk, your brother will get the money tomorrow. Don't worry, our service is very fast. Boy, then good. Thank you. Clerk, you're welcome.